मेरा बेटा हिमांशु काकरान फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और मैं इस एडमिशन को लेके पिछले एक साल से काफ़ी परेशान थे सब फैमिली में। दो तीन जगह गए, नोएडा गए, गुड़गांव, लाजपत नगर भी गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हम सही जगह पहुंच पाए। एक दिन किसी मिलने वाले ने हमें यहाँ का एड्रेस दिया, रस एजुकेशन। यहाँ आने के बाद जैसे ब्लाइंडली फेथ किया जाता है ना कि आँख बंद कर विश्वास कर लीजिए। इवन दिल्ली से बाहर कभी गए नहीं, कोई भी बच्चा दिल्ली से बाहर नहीं गया। फॉरेन में भेजने की तो कहाँ का सोचने वाले थे हम। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि करोड़ों का झमेला वो हमारी समझ में आया नहीं, क्योंकि इतना हम कर नहीं पाते। रस एजुकेशन के पहले दिन हमने एंट्री की, हम ये सोच के नहीं आए थे कि हमारा एडमिशन यहाँ होगा या हम बच्चे को बाहर भेज पाएंगे। कभी नहीं आए हैं, चलो बेटे चलो चलते हैं, आज यहाँ भी देख के आते हैं। गए अंदर एंट्री में, रेणु मैडम, प्रिया मैडम से हमारी बात हुई। इनसे बात करने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिली, हमारे अंदर वो हैसियत नहीं थी कि हम बच्चे को बाहर भेज पाए। एडमिशन की सारा फाइनल हुआ, रजिस्ट्रेशन करा दिया गया, एडमिशन हुआ फसीर यूनिवर्सिटी के लिए। सॉरी, जिस ढंग से एडमिशन हुआ, आज तक मुझे ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल या तो आप सब लोगों का या उस पर भगवान ने हमारा एडमिशन कराया। ये आने के बाद बात हुआ, सब रजिस्ट्रेशन हो गया कि भाई बेटे को भेजना है। मैंने इनकी मम्मी साथ है, वो कहते इतनी दूर कैसे जाएगा, कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। फ़ोन पे बात हुई रेणु मैडम से, प्रिया मैडम से, उनकी बात कराई। लगा कि कहते पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसा क्या करना होगा। ये तो बेटी के लिए कह रहे हैं, हमने तो बेटे के लिए ये देखा है सर। आने के बाद एडमिशन हुआ, कोई ऐसी बात हुई, मैडम ने बताया कि वहाँ नहीं हो पाएगा, दूसरी यूनिवर्सिटी में करना होगा। तो हमने सोचा, उन्होंने कहा कि पैकेज आपको एक साथ देना होगा। मैंने कहा नहीं जी, पैकेज देने की हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। प्रिया मैडम, रेणु मैडम, जितने भी काउंसलर, सबसे बात हुई, सर से मुलाकात कराई डॉक्टर वासन से। हमने जाके इनसे, उन्होंने कहा आइए बैठ के बात करिए। मैंने कहा सर ये मेरे साथ परेशानी है। कहता कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक बड़े भाई की तरह से, फैमिली मेम्बर की तरफ से इन्होंने कहा कि आपको इसके बारे में, फीस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बेटे को भेजो। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपकी इच्छा, लगता है कि इसकी किस्मत में लिखा हुआ है रसिया जाना और डॉक्टर बनना, जनहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, इसकी मुकद्दर में भगवान ने लिख दिया, दूसरे भगवान आप हैं जो इन्होंने आपको ये सहारा देकर इनको भेज दिया। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ डॉक्टर वासिम की, आपकी और स्टाफ की कर सकता हूँ, वो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मैं नहीं चाहता, मेरे ना चाहने के बाद भी बेटा गया, ले जाने वाले भेजने वाले आप, धन्यवाद, थैंक यू। और आप ऐसा ही करते रहे जनहित के लिए। भगवान तो ऊपर बैठा है, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, लेकिन डॉक्टर जो बनाने वाले हैं वो भी भगवान से कम नहीं है। मैं उनको भगवान ही मानता हूँ। थैंक यू मैडम।